आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार और काफी आसानी से बन जाने वाला चिकन पुलाव। तो सबसे पहले जिस बर्तन में हमें पुलाव बनाना है उसमें डाल लेंगे 3/4 कप तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर और इसमें आप डाल देंगे 5 से 6 छिले हुए आलू। आलू को हमें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, काफी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है आलू में, इसे निकाल लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम करेंगे और इसमें आप डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 काली बड़ी इलायची, 3 से 4 टुकड़े डाल देते हैं दालचीनी के, 5 हरी इलायची, 2 डाल देंगे बादियान के फूल, 2 से 3 डाल देते हैं तेजपत्ता, 1 चम्मच भर के डाल देते हैं शाही जीरा, आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आधे मिनट के लिए हमें पका लेना है तेल में। खड़े मसाले जैसे ही फ्राई हो जाए हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में कटी हुई, हरी मिर्च डाल देते हैं 10 से 12, ये बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च है। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा इसमें गुलाबी कलर आ जाए तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब डाल देते हैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, इसका कच्चापन चला जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। अब डाल देना है इसमें 1/4 कप भर के दही, 1 मीडियम साइज का टमाटर है ये डाल देंगे, साथ ही साथ इसके डाल देते हैं 2 चम्मच भर के धनिया का पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल देंगे खुशबू के लिए सौंफ का पाउडर। अब सभी चीजों को मिक्स करते हुए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से भून जाए, तेल इसमें सेपरेट होने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं 750 ग्राम चिकन। चिकन के साथ ही साथ डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। अब इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हमें भून लेना है, चिकन का अच्छा सा व्हाइट कलर आ जाए तब तक हम इसे भूनेंगे मसाले के साथ। चिकन अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें डाल देते हैं 1/2 कप भर के पानी और चिकन को बस 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से हम पकने देंगे। अब इसमें हमें डाल देना है आलू जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। आलू डालने के बाद इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ढककर पका लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। चिकन और आलू को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस 80% तक पकाना है, बाकी ये पकेगा चावलों के साथ। इसमें डाल देते हैं चावल का 1.5 गुना पानी, करीब 6 कप। पानी जैसे ही बॉईल होने लगे हम इसमें डाल देंगे 750 ग्राम भिगोकर धोए हुए बासमती चावल, ये करीब 4 कप चावल है। इसके साथ ही साथ डाल देंगे चावलों के हिसाब का 1 चम्मच नमक। मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच भर के गरम मसाले का पाउडर, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं थोड़े से। हल्के हाथ से अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे दम पर पकाना है, एकदम लो फ्लेम पर ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छी तरह से पक गया है, ढक्कन हटा लेते हैं। आप चाहें तो इसमें और खुशबू के लिए केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा देखिए बहुत ही टेस्टी खुशबूदार चिकन पुलाव बनकर रेडी है। इसे आप सर्व कर लीजिए दही वाले रायते के साथ या फिर सलाद के साथ, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। जरूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की मजेदार और आसान रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।